Where are you from? Ukraine. Ukraine. Oh, nice. अरे वाह, ये क्या है? ये देखो, पूरा खाई है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, नीचे देखिए ना, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। वेलकम टू मोरिंगकांग ट्रेकिंग पॉइंट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूँ मेघालय की कैपिटल शिलोंग में, और आज मैं जा रहा हूँ एक गांव में। उस गांव का नाम और वहाँ मैं क्यों जा रहा हूँ, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को वहाँ पहुँच के बताऊँगा। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ टैक्सी स्टैंड के यहाँ पे, और टैक्सी लेके मेरे को निकलना है गांव के लिए। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है? तो दोस्तों, मैं आ गया टैक्सी में और भैया हमें लेके जाएगा उस गाँव तक। तो भैया, आपका नाम? श्रिंग संगरेंग। अच्छा, ठीक है। तो संगरेंग भैया हमें उस गाँव तक लेके जाएंगे, तो ठीक है ना, वहाँ पहुँच के मिलते हैं, जुड़े रहिए। वैसे दोस्तों, आप लोग एक चीज़ बताओ, ये जो रास्ता है ना, ये रास्ते से चेरापुंजी और दाउगी भी जाते हैं। लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे, गुलंग गिरी का रास्ता ऐसा है। ओके, मौमी मौमी का बस्ती भैया बता रहे, वहाँ पे एक गाँव पड़ता है मौमी मौमी मौमी, ये बात वो मलंका। ओके, बीच बीच में ना ऐसा छोटा छोटा गाँव बहुत आता है। शिलोंग पिक भी यही रास्ते में पड़ता है। अच्छा, पूरा मेन मेन जो डेस्टिनेशन है ना, वो यही रास्ते से जाता है। ताओकी, चेरापुंजी, शिलोंग बोइन, सब ये रास्ते से जाते हैं। लेकिन हम चेरापुंजी नहीं जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन कुछ और ही है। अगली बार आएंगे चेरापुंजी और ताओकी। ताओकी और चेरापुंजी बहुत ही फेमस जगह है मेघालय के अंदर। मतलब चेरापुंजी एक दिन नहीं होगा। हाँ, एक दिन में नहीं होगा ना, एक दिन से ज़्यादा लगेगा। फिर कभी आएंगे, दो दिन तो होगा। हाँ, और चौकी रोड में अंदर सुबह था शिलोंग में, और फिर सुबह जाएगा तो चेरापुंजी रोड में तो होगा। ओके, एक दिन नहीं होगा। भैया बता रहा है शिलोंग में पानी का बहुत दिक्कत होता है, तो ये लोग क्या करता है, वो लोग ऊपर एक नदी है तो वहाँ से पानी वो लोग मतलब लेके आते हैं। ओके, शिलोंग पिक। ये दोस्तों, ये देखिए शिलोंग पिक यहाँ से जाता है ना। अच्छा, ये है शिलोंग पिक जाने का रास्ता। ये तो चाय का खेती है। पेट्रोल खत्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, डेंगी फट लिया है, अभी निकलते। यहाँ पे ना रोड एक्सपांशन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है अभी। ये देखिए, जब ये रास्ता बन जाएगा तो बहुत कन्वीनियंट हो जाने वाला है। यहाँ से जाता है चेरापुंजी और हम जा रहे हैं इस रास्ते से। गाइस, यहाँ बीच में ना एक बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन दिख गया,
तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका है कुछ फोटोग्राफ्स निकालने के लिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, कुछ इस तरह है यहाँ का नज़ारा। लुक एट दिस व्यू गाइस, ये पूरा वैली है। चलिए दोस्तों फोटो वोटो निकाल लिया है, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गया जो मेन रोड है काउ जाने का रास्ता ना, तो वो जंक्शन में हम अभी पहुँचा है। देखिए ये रास्ते से जाता है और यहाँ पे ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है वाकेन विलेज। वाकेन विलेज जो है वो यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो ये देखिए, चलिए हम लोग निकलते हैं अभी। तो दोस्तों गांव जाने का रास्ता कुछ इस तरह है। दोस्तों हम पहुंच गया काउ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन। ओके थैंक यू टिकट। और अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करने के लिए आया हूँ मैं। इस काउ का नाम जो है वो है वाकेन विलेज, जो कि एक खासी विलेज है। और ये जो काव है ना, ये शिलोंग से कुछ 48 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। और इस काव का एक खासियत है, मतलब जिसके वजह से बाहर से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ना इस काव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रैक पड़ता है जिसका नाम है बैम्बू ट्रैक। और यहाँ के लोग इसको माउरेन कंग ट्रैक भी कहा जाता है। तो वही ट्रैक करने के लिए आया हो इतना दूर से। इस ट्रैक को इंडिया का सबसे ख़तरनाक और डरावना ट्रैक माना जाता है। तो देखते हैं कैसा है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक बैम्बू सीट बना के रखा है। और बाजू में ये एक बास्केट भी है जहाँ पे आप वेस्ट वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। चलिए अभी शुरू करते हैं अपना ट्रैक। तो रास्ता कुछ इस तरह है और हम जाएंगे नीचे की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक और मैं पूरा नज़ारा दिखाते जाऊंगा आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग कुछ मिस ना करें। चलिए लेट्स मूव। जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ता कुछ इस तरह है, पूरा स्लो भी है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो मैं आप लोग को दिखा दे जाऊंगा, आप लोग देखते जाना, ठीक है। ये देखिए, वैसे यहाँ पे ना ये झाड़ू का पौधे बहुत है। ये देखो हर जगह यही है, दोनों साइड इससे झाड़ू बनता है, पता है ना। ये देखो पूरा फार्म है यहाँ पे इस चीज़ का, देखो ना कितना सारा है, क्या बात है। यहाँ पे एक बैम्बू का सीट बना हुआ है, नीचे है ना कुछ बहता हुआ पानी का आवाज़ आ रहा है, शायद कोई नदी वदी होगा, देखते हैं। यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, ये देखो शायद कुछ होटल टाइप से बना हुआ है। यहाँ पे खाने का चीज़ भी मिल जाएगा, ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो एक्चुअल ट्रैक है अब स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ कुछ इस तरह का ब्रिज बना हुआ है जो कि बैम्बू से बना हुआ है। ये देखो क्या बात है,
बहुत अच्छा बनाया। यहाँ पे कुछ वार्निंग दिया हुआ है, मैक्सिमम 5% एट ए टाइम। अच्छा, यानी एक टाइम पे सिर्फ 5 लोग जा सकते हो इस ब्रिज के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह है। ऊपर से जो आवाज़ आ रहा था, इसका आवाज़ आ रहा था। ये देखिए, अरे वाह, ये क्या है, खुफा है क्या? हाँ, छोटा सा खुफा है। ये देखो इतना सारा पत्थर। इस तरफ नदी और इस तरफ जंगल, तो बहुत ही मज़ेदार ट्रैक होने वाला है। बहुत अच्छा से बनाया है ब्रिज, और ये पूरा बम्बू से बना हुआ है, ये देखो, इसलिए इसको बम्बू ट्रैक कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है, ये देखो, पता नहीं आगे और कैसा मिलेगा। ऐसा चढ़ाई नहीं होना चाहिए उतना, नहीं तो फाइनल ट्रैकिंग पॉइंट पहुँचने से पहले थक जाऊंगा यार। ये देखो क्या बात है, क्या नज़ारा है, ऊपर से पानी आ रहा है, लेकिन पानी बहुत कम आ रहा है। ये देखो अभी पूरा सूख गया है, मतलब मानसून के टाइम में तो ना यहाँ पे बहुत पानी बहता होगा। एक तरह से ये वाटरफॉल ही समझ लो। ये देखो पानी कितना क्लियर है, लेकिन अभी उतना पानी नहीं है, सूख गया है। वैसे मैंने सुना था आगे एक पॉइंट है जो बहुत ही डेंजरस है, पता नहीं कैसा रहेगा, वो देखते हैं अभी। सामने एक दुकान दिख रहा है मेरे को, मतलब ये रिफ्रेशमेंट पॉइंट है एक तरह से। हेलो, चढ़ाई बहुत है यार, पूरा पसीना आ रहा है मेरे को। अरे वाह, ये क्या है, ये देखो इतना बड़ा पत्थर, बाप रे बाप, खतरनाक है यार। कितना बड़ा है, लगता है मेरे को यहाँ थोड़ा आराम करना पड़ेगा, थक गया यार, अभी आधा भी नहीं हुआ। मैंने सुना था कुछ 3.5 किलोमीटर लंबा है ये ट्रैक,
और मैंने अभी 1 किलोमीटर भी नहीं कवर किया रहेगा। लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि यही करने के लिए आया है इतना दूर से, तो वापस तो नहीं जा सकता। चलो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। अगर एक जगह पे ज़्यादा बैठे रहेगा तो शाम हो जाएगा और ऊपर मेरा टैक्सी वाला वेट कर रहा है मेरा, तो फटाफट पहुँच के वापस आना है मेरे को। चढ़ाई बहुत है यहाँ पे, यहाँ पे ना बीच बीच में ऐसा पत्थर का रास्ता भी बना हुआ है। आने से पहले मेरे को लगा पूरा शुरू से लेके, मतलब वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल ट्रैकिंग पॉइंट तक पूरा बम्बू का वो ट्रेल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। बम्बू का जो ट्रेल है ना वो बीच बीच में है, ज़्यादा रास्ता ऐसा ही है। आते वक्त तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है क्योंकि ऐसा रहेगा ना, जाते वक्त ऐसा है, तो थोड़ा इसलिए थकावट हो रहा है मेरे को। लगता है जो मेन खतरनाक वाला पार्ट है ना वो अभी आ गया है, तो शायद वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो मैंने सही बोला, ये देखो सबसे डेंजरस जो ट्रेल है ना यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो पूरा खाई है यहाँ पे, और ये जो पत्थर है ना ये बहुत बड़ा पत्थर है, उसके साइड में ये बैम्बू का ब्रिज बना हुआ है ये देखो, और नीचे पूरा खाई, बहुत डीप खाई है ये देखो, और वहाँ पे नदी बह रहा है। कैसा जाएंगे यहाँ से? अरे यार अगर ये टूट गया तो सीधा नीचे, बचने का कोई चांस ही नहीं। बचने का तो छोड़ ही दो, आपका हड्डी भी नहीं मिलेगा अगर यहाँ से गिर गया तो। ये देखो ये पूरा खाई है, शिट, आगे कैसा जाएंगे? मेरे को नहीं लगता मैं जा पाऊँगा, लेकिन अगर नहीं गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना दूर से आया है और यहाँ से वापस चला जाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा यहाँ आने का। चलिए हम चलते हैं, और यहाँ पे दूसरे लोग वापस आ रहे हैं। हेलो, डिड यू रीच द फाइनल पॉइंट? या, हाउ इज़ इट? ओह, इट्स नाइस, आई थिंक नाइस, नो हाफवे, इज इट स्केरी? इट्स द सेम एज़ इट फेल्ट, आई थिंक। ओके, exciting. Where are you from? Ukraine. Oh, nice. You? I'm from India only. From Nagaland state. Nagaland. Yeah. Hello. So you're coming back from there? Yeah. Okay. All right. I'll proceed. Okay. Yeah. Bye-bye. Ye dekho. अरे पूरा खाई है यार, अगर यहाँ से गिर गया तो आर आई पी। ये देखो इतना गहरा खाई है यहाँ पे, अरे मेरा पैर हिल रहा है, और मेरा जो दिल का धड़कन है ना और डबल तेज चल रहा है अभी। अरे ये देखो बहुत गहरा खाई है यार, बहुत गहरा खाई है। ये देखो ये साइड में बना हुआ है। चलो
हेलो हाय हाय। गाइस ये देखो पूरा खाई है, बहुत गहरा खाई है, ये देखो। और ये ऊपर ये मतलब ये जो पत्थर है ना उसके साइड में ये बना हुआ है ये ब्रिज। और ये देखो ये बैम्बू भी पूरा टूटने वाला है, ये देखो ये कभी भी टूट सकता है, इसको एक्चुअली रिप्लेस कर देना चाहिए, नया लगा देना चाहिए। और ये पूरा ये देखो ये रस्सी से बांधा हुआ है, ये वैसे बहुत ही मजबूत रस्सी है, ये देखो बहुत मजबूत होता है ये। चलिए चलो एक पार्ट तो हमने ख़त्म कर लिया है, अभी दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये देखो आ जाओ आ जाओ, हाँ आराम से, हाँ आराम से आ जाओ। कैसा है आगे? अच्छा है ना? और डेंजर भी है। अच्छा कितने लोग हैं आगे? पता नहीं पता नहीं। अच्छा कहाँ से हो आप लोग? हम रिपोई में, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ओके, मज़ा आया? और भी बहुत लोग हैं क्या आगे? मैं नागालैंड से, हाँ चलो बाय बाय। आराम से खतरनाक खाई है ये देखो तो, यहाँ से गिर गया तो खत्म, संभाल के हैं। ये कब खत्म होने वाला है? मेरे को चक्कर आ रहा है। अरे यार आपको नीचे नहीं देखना चाहिए, अगर नीचे देख लिया ना तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो शायद हम हो गया अभी। हेलो हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? नंबर। ओह यस, हाय हाय। हेलो, तो दोस्तों फाइनली हमने द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द ट्रैक क्रॉस कर लिया है, अब तो ऐसा नहीं रहेगा, मतलब आगे तो आसानी मिलेगा। यही पार्ट के बारे में बता रहा था सब, तो अभी तो इसके बाद तो मतलब ऐसा खाई में ब्रिजेस नहीं मिलेगा अभी। हेलो, और ये देखिए यहाँ पर भी एक दुकान सेटअप किया हुआ है रिफ्रेशमेंट के लिए। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, वाओ क्या व्यू पॉइंट है, देखो इट्स ब्यूटीफुल। वैसे मेरे को लगता है वो है फाइनल ट्रैकिंग पॉइंट जो है ना, वहाँ पे जाना है। चलिए वहाँ पहुँच के बात करते हैं अभी, ठीक है? अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो
दोनों पत्थर के बीच और ऊपर ये बड़ा सा पत्थर के बीच ये बना हुआ है रास्ता। तो चलिए हम निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, सामने पत्थर दिख रहा है ना, तो वो है फाइनल ट्रैकिंग पॉइंट। तो हम ऐसा करके हम जाएंगे वहाँ। तो चलिए पहुँचते वहाँ फटाफट। ये बीच बीच में ना ये सब लगा हुआ है, कचरा वगैरह रास्ते में नहीं फेंकना है। अगर आप कुछ प्लास्टिक या बोतल, पानी का बोतल वगैरह लेके आते हो और खाली जो हो जाता है ना, वो यहाँ पे फेंक देना चाहिए। ये हिल रहा है। अरे गिर गया, तो हिल रहा है यार। और थोड़ा सा है, ज़्यादा दूर नहीं आप, लेकिन ना बीच बीच में ऐसा चढ़ाई बहुत है। ये देखो, थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपना फाइनल डेस्टिनेशन। Guys, the final point of this bamboo trek. Welcome to Maurengkang trekking point. तो दोस्तों ये देखिए, ये है final part of the trek. और नीचे देखो पूरा खाई है, खाई के बीच ही ये बना दिया। यहाँ से अपने को चढ़ना है ऊपर। चलिए मैं यहाँ पे कैमरा सेटअप कर लेते हैं और मैं ऊपर चढ़ने का मैं वो नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। क्या अमेजिंग व्यू है, देख रहे हो, पूरा खाई है। और ये जो ब्रिज है ना, ये पत्थर के साइड में ये बना हुआ है, ये देखो। और नीचे नदी बह रहा है, देखो कैसा बनाया होगा ये, मानना पड़ेगा जिसने भी ये बनाया है ना। वैसे मैंने सुना है ये जो पूरा ट्रैक है ना, ये इसी गांव के लोग ने बनाया है। तो दांत देना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो,
कुछ इस तरह है। इतना बड़ा खाई खाई के बीच चल रहा हूँ मैं। ये देखो तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए हैं द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस अमेजिंग एंड डेंजरस ट्रैक। तो ये देखो, ये है द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक। मैं यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना फ्लैक्स भी लगा हुआ है। ये देखो, ये देखो, सो गाइस दिस इज इट, दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस डेंजरस बैम्बू ट्रैक, जिसको मोरेंगखांग ट्रैक भी कहा जाता है। तो चलिए मैं थोड़ा और नीचे की ओर जाके दिखाता हूँ व्यू। चेक दिस आउट गाइस, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। ये देखो, गजब व्यू है। ये देखो, वाओ, लुक एट दैट। It's just breathtaking, guys. It's beautiful. ये देखो, अगर आप यहाँ से ना गिर गया तो सीधा नीचे पहुँचेगा। ये देखो, नीचे बहुत ही गहरा खाई है। वाह, लुक एट दैट, देख सकते हो। चलो थोड़ा ऊपर जाके ना बैठते और फोटोज लेते, ठीक है। चलिए यहाँ खड़ा हो गया ना, कुछ फोटोज निकालेंगे यहाँ से। चलिए वैसे दोस्तों, इस पत्थर का नाम है मोरेंगखांग और उसके वजह से इस पॉइंट को मोरेंगखांग ट्रैकिंग पॉइंट भी कहा जाता है। और ना इस पत्थर के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। तो यहाँ के लोग, जो खासी लोग हैं, उनका मानना है कि बहुत साल पहले ये जो पत्थर है मोरेंगखांग, वो पत्थरों का राजा हुआ करता था और उससे एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, उसी लड़की से दूसरा पत्थर को भी प्यार हो जाता है। तो उसके वजह से दोनों के बीच लड़ाई होता है और वो लड़ाई के समय वो दूसरा पत्थर मोरेंगखांग का हाथ काट देता है। तो जो काटा हुआ पार्ट है ना, वो अभी भी दिखता है, ऐसा बोलता है। इस पत्थर में वो मार्क है, जो काटा हुआ पार्ट है ना। फिर मोरेंगखांग क्या करता है, वो गुस्सा हो गए, वो दूसरा पत्थर का सर काट देता है और वो जो काटा हुआ सर है ना, वो नीचे गिर जाता है ये खाई में नीचे। तो खासी लोग का मानना है कि जो काटा हुआ सर है ना, वो अभी भी दिखता है, ऐसा बोलता है, नीचे पड़ा हुआ है। तो ये कहानी है इस जगह के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। चलिए दोस्तों, यहाँ का काम तो हो गया, अभी हम वापस चलते हैं, ठीक है। लेट्स मूव। Thank you.
You came alone? No, my friend is coming. He's from Assam. Okay, okay, okay. Meet him on the way. Nice meeting you. Nice meeting you too. Have a good time. Yeah, thank you. चलिए दोस्तों, हम वापस नीचे आ गया. तो वहाँ थोड़ा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ना पूरा स्लोप है ऐसा. नीचे देख के ना मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं हम. हेलो, कहाँ से हो? I'm from Assam. You? I'm from Nagaland. Nagaland. Yeah. So both of you came together? Yeah, yeah. Okay, your friend? He's from Karnataka. Yeah, he said that. Uh-huh. Okay. Yeah, he's my friend. Okay, okay. Chalo, I'm leaving now. Yeah, yeah, see you. Yeah, bye. Nice meeting you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye, bye. दोस्तों, जाने से पहले हम आखिरी बार और एक बार देख लेते इस नज़ारे को. ये देखो, चलिए मन भर गया, अभी हम निकलते हैं यहाँ से. ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से व्यू कुछ इस तरह है. हम वहाँ पे गया था पहले, तो ये देखिए इतना बड़ा सा पत्थर है. और वो जो लड़की है ना, वो है वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, वो एक छोटा सा पतला सा पत्थर जो है, तो उससे प्यार हो गया था मोरिंगकांग. तो उस लड़ाई के बाद ना दोनों एक साथ हो जाता है, तो अभी भी दोनों साथ में हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं. देखो आमने सामने. चलिए अभी हम यहाँ से निकलते हैं और फटाफट ऊपर के यहाँ पहुँचते हैं. गाइस, वापस से हम इस गुफा में आ गया है, देखो. तो दोस्तों, वापस से हम इस पूरी ट्रैक का सबसे डेंजरस और डरावना वाला ट्रेल में आ गया है. तो ये देखिए, मैं पूरा आप लोगों को दिखाता हूँ. तो अभी तो उतना डर नहीं लगेगा. तो ये देखिए, मतलब आप एक बार डर को पीट कर लिया ना, तो उसके बाद तो चीज़ें आसान हो जाता है. तो ये देखिए, और नीचे पूरा खाई है, लेकिन अभी मेरे को डर नहीं लग रहा है. तो आप लोग देखते जाना. ये देखिए, सबसे स्केरियस वाला ट्रेल है ये. चलो, हमने एक तो क्रॉस कर लिया है, अभी दूसरा बारी है. अभी तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ. पहले तो मैं ऐसा चल ही नहीं पा रहा था, आराम से आया था. वाओ, ये देखिए दोस्त, खाई दिख रहा है ना.
तो दोस्तों फाइनली हमने इस ट्रैक का द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द ट्रैक पार कर लिया है। अब तो आगे कुछ भी नहीं है, एकदम आसान ट्रैक है अभी। तो चलिए हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं और ऊपर के यहाँ पहुँचते हैं जल्दी, ठीक है? चलो लेट्स मूव क्विकली। ये देखो दोस्तों, ये तो बहुत आसान वाला ट्रैक है, यहाँ पे उतना हाइट में नहीं है। ये देखो, फाइनली हम वापस से नदी के पास आ गया है, वहाँ जाके दिखाते हैं आप लोग को। ये देखो कितना साफ पानी है, मेरे को तो नहाने का मन कर रहा है। गाइस टेक लुक एट दिस ब्यूटीफुल लेक ओवर हियर, द वाटर इज सो क्लीन, जस्ट टेक लुक। बाय द वे द लेक इज जस्ट बिलो द बैम्बू ट्रेल, ओके? एंड आई ऑलरेडी टुक इट डीप एंड आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, लेट्स डू इट, इट्स गोना बी फन। All right guys, so I'm done here. चलिए हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं। वैसे अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मेरे को पहुँचना है शिलोंग अंधेरा होने से पहले। अंधेरा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मेरे को फटाफट निकलना होगा यहाँ से। तो वो देखिए, वहाँ पे सूरज भी डूब गया है, तो फटाफट निकलो यहाँ से। चलिए दोस्तों फाइनली हम वापस से ये छोटा गुफा के यहाँ आ गया है और बस अभी आखिरी बम्बू ब्रिज बचा हुआ है, ये क्रॉस कर लिया तो हम पहुँच गया। वहाँ से बस अभी थोड़ा ऊपर चढ़ना है और हम पहुँच जाएंगे ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है तो सेकेंड लास्ट ब्रिज, सेकेंड लास्ट बैम्बू ब्रिज। ये तो हो गया फाइनली गाइस, हम पहुंच गया द लास्ट बैम्बू ब्रिज ऑफ दिस होल ट्रैक। इसके बाद और कोई ऐसा बैम्बू ब्रिज नहीं मिलेगा, सो दिस इज इट गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द बैम्बू ट्रैक। चलो अभी हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली हम वापस से उस जगह पे आ गया जहाँ से हमने हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट किया था। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये ख़तरनाक वाली बैम्बू ट्रैक। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं शिलोंग के लिए और इसके साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्दी मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यू गाइस स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय, बाय बाय बोलो, बाय बाय, पीस।